ईद उल अजहा यानी बकरा ईद को महज कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में गली मोहल्लों में लगभग हर एक घर के सामने बंधे कुर्बानी के बकरों से बकरा ईद की रौनक साफ देखने को मिल रही है। बकरा ईद को महज चंद दिन बाकी रह चुके हैं और बकरा ईद की रौनक मोहल्लों गली मोहल्लों में देखने को मिलती है। बच्चों और लोगों के बीच काफी उत्साह है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि अभी हम शहर के ताज नगर परिसर में मौजूद है और यहाँ पर हर मोहल्ले में इस मोहल्ले के पूरे घरों में लगभग बकरे आ चुके हैं। इन बकरों की ईद में कुर्बानी दी जाएगी और इसको लेकर बच्चों में काफ़ी उत्साह है। बच्चे अपने अपने घरों के बकरों को लेकर यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। तो आइए थोड़ा यहाँ के कुछ तस्वीरें देखते हैं और जानते हैं ईद का लोगों के बीच उत्साह। ईद उल अजहा यानी बकरा ईद को बलिदान यानी कुर्बानी के त्योहार के रूप में जाना जाता है। यह मुसलमानों द्वारा मनाए जाने वाले सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है। बता दें कि ईद उल अजहा की तारीख हर साल बदलती रहती है। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार जिलहिज्जा 12वां और आखिरी महीना है। अधिकांश मुस्लिम लोग इस महीने के दौरान हज करते हैं। ये त्योहार इस पवित्र महीने के 10वें दिन मनाया जाता है। बता दें कि भारत में इस बार बकरा ईद 29 जून को मनाई जाएगी। बकरा ईद का पर्व पूरी दुनिया में मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा मनाया जाता है। वे एक साथ आते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं। इसके बाद वे इस दिन एक जानवर की कुर्बानी देते हैं और इसे रिश्तेदारों, दोस्तों और जरूरतमंद लोगों के बीच वितरित करते हैं। इस दिन लोग पारंपरिक कपड़े पहनते हैं और उपहारों का आदान प्रदान करते हैं। वे अपना समय परिवार रिश्तेदारों के साथ बिताते हैं और इस दिन का भरपूर आनंद लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम। 29 तारीख की बकरा ईद रखी गई है और ये बकरे हैं जो 10 दिन पहले लाए गए हैं और उनको पाल के बड़ा करते हैं और फिर ईद के दिन इनकी कुर्बानी की जाएंगी। बाद नमाज ईद के दिन 8:30 बजे की जमात है ताज नगर में। हम सबकी तरफ से आपको बकरा ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। सबको ईद मुबारक हो। 3 दिन से बकरा लेकर आए हैं और उसकी अभी देखभाल कर रहे हैं। बकरा ईद के दिन कुर्बानी होंगी। कुर्बानी के बाद में फातिहा वगैरह देना पड़ता है लेडीज़ को और कलेजी में फातिहा होती है, अल्लाह राह पे फातिहा होती है। हाँ इस तरह ईद मनाई जाती है और घर में आदमी लोग गोश्त के पैकेट वगैरह बना के सबको बांटते हैं। ऐसा घर में काम रहता है सब दिन भर। बकरा ईद का सबको ईद मुबारक। तो मेरे पीछे आप नज़र घुमा कर देख ही सकते हैं कि इस मोहल्ले में पूरे यहाँ पर मोहल्ले के कुर्बानी के जो बकरे हैं यहाँ पर जमा हुए हैं। उसको लेकर बच्चों से लेकर बड़ों के बीच उसके लिए उत्साह है। और ये वही बकरे हैं जो बकरा ईद के दिन सुबह होते ही नमाज अदा करने के बाद इन्हें कुर्बान कर दिया जाएगा। तो ये थी हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। कैमरामैन अजित कुर के साथ अक्सर वहीद अंसारी, BCN न्यूज़, नागपुर।